साथियों जरा संभलना, आज का जमाना साथ देने वाला नहीं है। आपको संभलना होगा, जिम्मेवारी लेनी होगी और खुद ही आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत फर्क है। पहले लोग एक दूसरे का साथ देते थे, फिक्र करते थे, लेकिन आजकल टाइम बदल गया है और आपको भी टाइम के अनुसार बदलना होगा। अगर आप संभले नहीं तो बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ सकता है आपको। खुद संभलिए और आपका सच्चा साथी आप स्वयं खुद हो। खुद आप अपने मन से भी मजबूत हो जाइए और काम को भी अच्छे तरीके से करते जाइए और ईमानदारी से रहिए। देखिए बात रही साथ की, तो आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, और जब आपके साथ कोई परेशानी घटती है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, फिर वो देखते तक नहीं है आपको। चाहे वो पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तो आपको हर तरह से मजबूत बनना है। मैंने बताया कि आज का ज़माना पहले जैसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। और ये तो शुरू से ही है कि आपको मेहनत तो करते ही रहना है। बैठे बिठाए तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो साथ देने की बात थी, लेकिन आपको जो मिलेगा आपकी मेहनत से मिलेगा और वो आपका ही होगा। जो मिलेगा उसका हक कोई दूसरा नहीं ले सकता है, और प्रसन्नता भी वो आपको ही मिलेगी। जो आप मेहनत करेंगे उसकी प्रसन्नता भी आपको मिलेगी। कोई दूसरा इतना खुश नहीं होगा जितना कि आपको खुशी मिलेगी अपनी ईमानदारी से की गई मेहनत की। तो दोस्त, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे आप घबराए नहीं, बस आप संभलते रहिए वक्त के साथ, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे नहीं, आलस्य में रहेंगे, तो दुख तो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे आपके लिए। तो आपको संभलना है और जीवन में आगे बढ़ना है।